हरे कृष्ण राधे राधे भक्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लड्डू गोपाल की कृपा दृष्टि सदैव सर्वदा हम सब पर बनाए रखे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जन्माष्टमी की बिल्कुल ही सरल पूजा विधि, जो कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मथुरा नगरी में असुर कंस के कारागृह में देवकी की आठवीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और भक्तों, बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार से आप, जैसे कि हमने यहाँ इनका जन्म कराना है, जन्म कराने के लिए हमें शाम के समय जब 7 बज जाते हैं उसके लगभग हमें यहाँ पर लाल कपड़े से, लाल कोरे कपड़े से ढक देना होता है और इन्हें छूना नहीं चाहिए। और इस इनके पास एक इस तरह से खीरा रख दे, और एक इसे खीरा भी बोलते हैं, कहीं कहीं लोग इसे ककड़ी भी बोलते हैं। अगर आपके पास डंठल वाला खीरा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, आप इसे खीरा रख ले और साथ में सिक्का रख ले। इस तरह से आप चाहे तो चांदी का सिक्का अगर आपके पास है वो रख सकते हैं, नहीं तो ये नॉर्मल सिक्का रख ले और हाथ जोड़ ले। और इनको तब तक नहीं छूना है जब तक रात के 12 नहीं बज जाते हैं। तो 12 बजे तक जब इनका जन्म होता है तो पूरे मंदिरों में शंख घंटी बजने लगती है और टीवी में भी बता देते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म हो गया है। तब आप लड्डू गोपाल का जन्म कराएं, हाथ से ताली बजा ले, घंटी बजा ले, अगर शंख है तो शंख भी बजा सकते हैं, तो घंटी बजा दे इस प्रकार से, और प्रेम पूर्वक और धीरे से कपड़ा हटा देंगे तो इस प्रकार से हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाता है। भक्तों, लड्डू गोपाल जी का जो जन्म है वो एक ही हमें हर साल कराया जाता है, और जो प्राण प्रतिष्ठा है सिर्फ एक बार ही कराया जाता है। तो सिक्के की मदद से घड़ी जिस दिशा में घूमती है उस दिशा से हमें ये नाल छेदन का कार्यक्रम करना होता है। तो नाल काटते हैं इस तरह से, और जो ये ऊपर का पार्टीशन है इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे किसी गमले आदि या धरती में किसी कच्ची जगह पर इसे दबा देना है, जिस प्रकार से हम वास्तविक में बच्चों की नाल को दबा देते हैं। और जो ये नीचे का पार्ट है इसको भोग में ग्रहण करना है, तो पहले हम पूजा में भोग इनका लगाएंगे, उसके बाद ही करेंगे। जब इनका जन्म हो जाता है प्रेम पूर्वक इनका श्रृंगार हटा देंगे और जो भी इनके वस्त्र है सभी आराम से निकाल करके इनका पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो इस तरह से मैंने पुष्प रख लिया, तुलसी पत्र रख लिया है, और साथ में लड्डू गोपाल जी को आराम से बिठा देंगे। पहले हाथ धो लेंगे और चरण धो देंगे प्रेम पूर्वक से। इस प्रकार से हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए स्नान कराना है। मैं यहाँ पंचामृत एक में मिला करके तैयार कर ली हूँ, आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। जन्माष्टमी के समय दोनों टाइम पंचामृत से स्नान कराया जाता है। तो इस तरह से हमें स्नान कराना है। जन्माष्टमी के दिन घरों में झांकियां निकाली जाती हैं, सजाई जाती हैं, भजन कीर्तन गाए जाते हैं, कृष्ण भक्त व्रत कर बाल गोपाल का भव्य श्रृंगार करते हैं। रात्रि में 12 बजे कान्हा का जन्म कराया जाता है। तो मैंने जन्म की प्रक्रिया बता दी है, जो पंचामृत का स्नान था वो हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे, और अंग पोषण करने के बाद इत्र की मालिश आप अवश्य रूप से करें, आराम से प्यार से। तो इस प्रकार से हमें करना है। और भक्तों, जन्माष्टमी का व्रत आप रख रहे हैं तो भी इस पूजन को कर सकते हैं, अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो भी आप इस पूजन को एक उत्सव के रूप में मना सकते हैं करके। तो इस प्रकार से हमें जन्माष्टमी की जो पूजन करना है, और हो सके तो आप ना नए वस्त्र लड्डू गोपाल को जरूर से धारण कराएं। तो
अगर जो व्यक्ति नए वस्त्र नहीं ला पाता है तो जो आपकी पुरानी ड्रेस है उसे धो करके शुद्ध करके उसे पहना सकते हैं। कोशिश करें कि नए वस्त्र ही पहनाएं। और इस तरह से गाय माता आपके पास हो तो गाय माता की भी पूजन आज के दिन जरूर से करें और गणेश जी की भी स्थापना जरूर से करें। उसके बाद शुद्धिकरण कर लेंगे। भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सूर्य उदय से व्रत शुरू किया जाता है और पूजन के बाद या फिर अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही व्रत का पारण करते हैं। चंदन से तिलक कर देंगे, गौ माता को तिलक कर देंगे। इस प्रकार से इस व्रत को करने वाले को चाहिए कि व्रत से एक दिन पूर्व यानी सप्तमी को हल्का तथा सात्विक भोजन करे। वस्त्र रूपी कलावा हम सभी को यहाँ अर्पित कर देंगे और इस प्रकार से जनेऊ अर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल को हमने कपड़े पहना ही दिए हैं वस्त्र और दुर्वा और गुड़हल का फूल अर्पित कर देंगे, गुलाब फूल अर्पित कर देंगे। रात्रि को स्त्री संग से वंचित रहें और सभी और मन से इंद्रियों को काबू रखें। इस प्रकार से गाय के घी का दीपक जला देंगे, धूप दीप जला देंगे, इससे वातावरण सुगंधित तो होता है। उपवास वाले दिन प्रातः स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के संकल्प लें। शाम के समय पूजा स्थल पर झांकी सजाएं। मैंने सजाया नहीं है, आप अपने जहां पे पूजा करें लड्डू गोपाल जी का वहां पे अच्छे से अपने स्थान को अच्छे से सजा लें, डेकोरेशन अच्छे से चमका लें, लड़ियां फूल गुलदस्ते ये सब कुछ लगा सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ सिंपल तरीके से पूजन विधि बता रही हूँ जन्माष्टमी की कि आप जन्माष्टमी पर किस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं। अक्षत अर्पित कर देंगे और साबुत अक्षत होने चाहिए। भगवान गणेश जी का जो भोग प्रसाद है वो मैंने अलग रखा है क्योंकि भगवान गणेश जी के भोग प्रसाद में तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। जल का भोग लगा देंगे कान्हा जी को। जो भी आपने घर में पकवान बनाए हैं वो उन सभी चीज़ों का भोग आप लगाएं लेकिन तुलसी पत्र जरूर से डालें। और जो हमने खीरा रखा था वो भी हम भोग में यहाँ पर रख देंगे, अर्पित कर देंगे। और तुलसी मंजरी लड्डू गोपाल जी को जरूर से अर्पित करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो आप राधा कृष्ण जी का फोटो में लक्ष्मी विष्णु जी का भी पूजन कर सकते हैं। अपने मन में संशय ना करें कि आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, हम पूजा नहीं कर पाएंगे, जन्माष्टमी कैसे बनाएं। तो आप फोटो में भी आप राधा कृष्ण जी की, विष्णु जी की, लक्ष्मी जी के रख के पूजन करके अपनी जन्माष्टमी बना सकते हैं। आज के दिन माखन मिश्री का भोग आप अवश्य रूप से लगाएं, ऋतु फल का भोग लगाएं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप जरूर से भोग लगाएं। और जन्माष्टमी की पूजा में खीरे का विशेष महत्व होता है तो आप खीरा पूजा में जरूर से रखें। उसके बाद कृष्ण जी की जन्माष्टमी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, हाथ जोड़ लेंगे। पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा करें, दक्षिणा जरूर से निकालें। जन्माष्टमी व्रत में क्या खाया जाता है? इस व्रत में अनाज का प्रयोग नहीं किया जाता है। जन्माष्टमी व्रत में फलाहार कर सकते हैं, साथ ही कुट्टू के आटे की पकौड़ी, मेवे की बर्फी और सिंघाड़े के आटे का हलवा का सेवन कर सकते हैं। घंटी बजा करके आरती उतार लेंगे। जन्माष्टमी पर लोग व्रत रखते हैं उन्हें रसीले फलों का सेवन करना चाहिए। पानी की शरीर में कमी ना हो इसके लिए व्रत के दौरान ध्यान जरूर से रखना चाहिए। और दीपक का शुद्धिकरण कर लेंगे और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का उच्चारण जरूर से करें। तो इस प्रकार से हाथ जोड़ लें। पूजा में रही कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा करें और सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। जिन लोगों को संतान नहीं होती, लड्डू गोपाल की सेवा करने से, पूजा करने से उन्हें संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। तो जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल आप अपने घर में जरूर से लाएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।